आज के समय में पासपोर्ट बेहद जरूरी दस्तावेज हो गया है। हालांकि इसे बनवाना अब पहले की अपेक्षा काफी आसान है। यह केवल एक जरूरी दस्तावेज ही नहीं बल्कि विदेशों में अवसर प्राप्त करने में मददगार साबित हो सकता है। क्या आपने कभी भारत में जारी किए गए पासपोर्ट के प्रकारों के बारे में सोचा है? दरअसल भारत में अभी तक 3 रंग के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। अब तक नीला, सफेद और मैरून रंग का पासपोर्ट ही जारी किया जाता है। हालांकि अब केंद्र सरकार ऑरेंज पासपोर्ट लाने की तैयारी कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि जब पासपोर्ट एक ही देश का है तो इसे अलग रंगों में क्यों डिवाइड किया गया है? आपके लिए जानना जरूरी है कि हर कलर के पासपोर्ट का एक अलग महत्व है। एक खास रंग के पासपोर्ट वाले शख्स को विदेश यात्रा के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, साथ ही उन्हें इमिग्रेशन अधिकारी जल्द क्लीयरेंस दे देते हैं। तो आइए आज हम आपको सभी रंगों वाले पासपोर्ट और उनके महत्व के बारे में बताते हैं। नंबर 1, ब्लू पासपोर्ट। भारत के आम नागरिकों को नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। यह कस्टम, इमिग्रेशन अधिकारियों और विदेशी एजेंसियों को आम नागरिक और सरकारी अधिकारियों के बीच अंतर करने में मदद करता है। अगर आप आम आदमी है तो इसी कलर का पासपोर्ट जारी किया जाएगा। व्हाइट पासपोर्ट। विभिन्न प्रकार के पासपोर्ट में से व्हाइट पासपोर्ट को केवल सरकारी संस्थानों से जुड़े अधिकारी ही प्राप्त करने के पात्र होते हैं। यह आधिकारिक काम के लिए विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों को जारी किया जाता है। व्हाइट पासपोर्ट वाले व्यक्ति को एयरपोर्ट पर कस्टम और इमिग्रेशन अधिकारी अलग तरह से ट्रीट करते हैं और इनको ज्यादा औपचारिकताओं से नहीं गुजरना पड़ता। नंबर 3, मैरून पासपोर्ट। भारतीय राजनयिकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को मैरून पासपोर्ट जारी किया जाता है। इस उच्च गुणवत्ता वाले पासपोर्ट के लिए एक अलग से आवेदन करना पड़ता है। इस पासपोर्ट वाले व्यक्ति विदेशी दौरों के दौरान कई तरह के लाभ के पात्र बन जाते हैं। इसके अलावा उन्हें विदेशी यात्रा पर जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। मैरून पासपोर्ट धारकों के लिए आवर्जन संबंधी औपचारिकताओं को भी बहुत तेजी से पूरा कर दिया जाता है। नंबर 4, ऑरेंज पासपोर्ट। भारत सरकार ने एक खास वर्ग के लिए ऑरेंज पासपोर्ट पेश करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना है जिन्होंने कक्षा 10 से आगे पढ़ाई नहीं की है। नियमित पासपोर्ट की तरह ऑरेंज पासपोर्ट में भी अंतिम पेज नहीं होगा। इस पेज पर धारक के पिता का नाम, स्थायी पता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख होगा। जो लोग शैक्षणिक रूप से योग्य नहीं है वे ICR श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब यह है कि हर बार जब इस श्रेणी का कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो उसे आवर्जन अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।